कस्टम फॉर्मेट के अंदर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन के बेस पे भी फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो सपोज मेरे पास कुछ वैल्यू है यहाँ, मेरे ऑप्शन अवेलेबल थे यहाँ पे, जैसे मैं F1 प्रेस करता हूँ यहाँ से, हमने पुराने वर्जन पे चला जाता हूँ पहले। लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, X20, 99, 85, 130 कुछ डेटा है मेरे पास। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक जगह उसमें जिक्र हुआ था, कंडीशनल नंबर फॉर्मेटिंग का, तो इसमें मैं कस्टम फॉर्मेट्स डालता हूँ और इसको सर्च करना है मुझे ऑनलाइन में। हाँ जी सर, किसका? अच्छा, सुबह में किस पे किए हो? अच्छा, नहीं, मेरे पास नहीं पहुंचा। अब क्या करना है? अच्छा, इसी में चलो, भेज दो, ईमेल आईडी भेज दो दोबारा से, मैं इसको भेज डाल देता हूँ। फोन मार दो आप, वो आई एफ एम पर आए क्लास में। हाँ जी, तो यहाँ पे कस्टम नंबर फॉर्मेट की जो हमारे पास लिस्ट आई थी, इसमें ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये हम इसमें कलर्स भी दे सकते हैं। जो हमारे पास कलर्स अवेलेबल हैं वो इस तरह से दे सकते हैं हम किसी भी फॉर्मेट में। जैसे अगर हमें नॉर्मल फॉर्मेट देना है तो हम कस्टम में जाके बड़े ब्रैकेट्स के अंदर अगर रेड दे देंगे तो ये वैसे भी रेड कर देगा। हालांकि इसका कोई खास यूज नहीं करते हम लोग, ये सारा काम हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी करवा लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे अब मान लीजिए आप एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, इस तरह से एक्सेल में फॉर्म, और क्या करते हैं अंडरस्कोर को बार बार प्रेस करते हैं, इसमें जो नीचे फिलिंग स्पेस लाने के लिए। ठीक है जी, तो इसमें जो हमारा टेक्स्ट का स्पेसिफायर जो है वो एट द रेट है कस्टम फॉर्मेटिंग में। अब मुझे वही चीज लानी है, पर वहां तक लानी है जहां तक मेरी कॉलम की विड्थ हो। मैं क्या करूंगा, Ctrl 1 दबाया मैंने, इधर कस्टम पे आ गया, मैंने क्या करना है एट द रेट। अगर इसके अंदर मुझे कोई टेक्स्ट देना है तो मैं डबल क्वेट्स के अंदर देता हूँ, अगर कोई टेक्स्ट देना है। पर कुछ साइंस हैं जो विदाउट डबल क्वेट के भी यूज कर सकता हूँ, तो मैं इसमें करूंगा स्टार। स्टार होता है रिपीटेशन के लिए, इसके बाद जो भी करेक्टर लगाऊंगा वो रिपीटेड होगा टिल कॉलम विड्थ। ठीक है जी, स्टार रिपीटेशन के लिए है, और कोई भी अगर मैं इसमें टेक्स्ट देना चाहूं तो वो उसे मुझे इन्वर्टेड कॉमास में देना पड़ेगा। रेट स्टार, और कोई भी साइन जो मैं रिपीट करना चाहता हूं, ख्याल से स्टार पे स्टार। ठीक है जी, तो स्टार जो है वो रिपीट कर देता है आपका, केवल सिग्नेचर्स को, टेक्स्ट को नहीं। तो मान लीजिए हम कंपनीज के नाम डाल रहे हैं बार बार,
और मैसर्स लगाना है हमें इस एरिया में, हमने कंपनीज के नाम डालने हैं। कस्टम में जाता हूँ मैं, डबल क्वेश्चन के अंदर मैसर्स डाल देता हूँ। ठीक है जी, ओके कर देता हूँ। ओके नहीं, इसके बाद क्या लगाना है मुझे, एट द रेट, क्योंकि इसका दिया हुआ टेक्स्ट तब आएगा जब मैं एट द रेट फिक्स करूँगा। यहाँ मैं क्या करता हूँ, जैसे किसी कंपनी का नाम दे देता हूँ। मैं सर अपने पास आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से आप कुछ अपने हिसाब से लगा सकते हैं। दूसरी चीज, जब मैं काम करता था तो मैंने ऑफिस में एक, हमारा एक लड़का काम करता था, जो किस तरह का काम करता था, वो स्टाफ की एंट्री वगैरह, टाइम इन और टाइम आउट फीड किया करता था। तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि वो जो भी कोई टाइम डालता था, उसके बाद उसे शिफ्ट के साथ ये कॉलन दबाना पड़ता था, फिर नेक्स्ट एंट्री करता था। जो डेटा था वो कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा होता था, कम से कम 300-400 का स्टाफ डेली आता था, तो डेली की उसे एक्सेल पे एंट्री करनी होती थी। तो अगर इतनी सारी एंट्री आपको एक दिन में करनी है, तो आपको नंबर पे तो सबका हाथ सेट होता है, अब ये स्पेशल कैरेक्टर कॉलन का जो है, ये हमेशा परेशान करता था उसे। तो मैंने क्या किया, उसके लिए एक फॉर्मेट बनाया, कस्टम फॉर्मेट में मैंने क्या किया, 00 लिखा आगे, स्पेस के बाद मैंने फिर इसमें दे दिया कॉलन, और देन अगेन 00 फिक्स कर दिया। ठीक है जी, तो मैंने एक फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, उसमें क्या किया, जैसे 9:10 हुए, ठीक है जी, 10:20 हुए, 3:15 हुए, ठीक है जी। तो इसमें मुझे कॉलन नहीं डालना पड़ रहा, जैसे ही मैं कोई भी डाल रहा हूँ वो अपने आप कॉलन ले ले, ठीक है जी। और ये चीज है कि बार बार ये विजिबिलिटी, ये डेटा के पीछे की रियलिटी नहीं चेंज करता, खाली विजिबिलिटी के लिए करता है चेंज इसको। ठीक है जी, और वहां पे भी विजिबिलिटी के लिए चाहिए था उसे खाली। तो इस तरह के कस्टम फॉर्मेटिंग आपकी काफी हेल्प करती है। अब देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 11,25,333, अब इसको हम सेपरेटर ऐड कर देते, नंबर फॉर्मेटिंग में सेपरेटर ऐड कर दिए ना। अब ये 11 लाख है, बट हमें जो दिखाता है एक्सेल मिलियन को पहचानता है, 1000 के बाद सीधा सेपरेटर आता है मिलियन के ऊपर। अब मुझे चाहिए इंडियन नंबर फॉर्मेट, क्योंकि ये मेरे से पढ़े नहीं जाते, कई बार ज्यादा डेटा है मेरे को नहीं समझ आता कि ये क्या मतलब है, कंफ्यूज होता हूँ, जो गौर से देखना पड़ता है। तो इसके लिए अगर आप गूगल पे भी डाउनलोड करेंगे तो इसका आपको कस्टम फॉर्मेट मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे पास पहले से मैंने बना रखा, मैं इसमें आपको समझा देता हूँ कि वो है क्या चीज। मैं आया इसमें कंट्रोल वन में, कस्टम पे गया, और इसकी जगह मैंने ये पूरा कोड दे दिया, ओके कर दिया। अब ये सही आ गया, 11,25,333, ठीक है जी। अब देखिए इस कोड में है क्या, इसमें इनकी पहली कंडीशन है, पहला कॉमा जो हमारा लगा हुआ है 1000 पे, दूसरा लाख पे लगा हुआ है, तीसरा करोड़ पे लगा हुआ है। तो मैंने चेक कराया है कितना 0 या 3, 3, 6, 1, 7, अगर वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है, मतलब 1 करोड़ से बड़ी है या इक्वल टू है, तो
तो ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर दे। अब इसमें देखिए हैश वगैरह तो आपको सब समझ आ रहा है, जीरो भी समझ आ रहा है, अगर यहाँ तक का फॉर्मेट देखें तो नॉर्मली क्लियर है, बट एक चीज कंफ्यूजिंग है, ये बैक स्लैश क्यों लगा है, क्योंकि अगर आप ब्लैक स्लैश को वैसे देते हैं तो ये कैसे रीड करता है, मिलियन वाले की तरह रीड करता है। मतलब कि मेरे पास एक फॉर्मूला भी होता है टेक्स्ट का, इसमें मैं किसी का रेफरेंस देके यहाँ पे भी कोई चीज इसमें भी कोई फॉर्मेट अप्लाई कर सकता हूँ, हैश कॉमा 0.0, मैंने वैसे ही फॉर्मेट दे दिया, यहाँ पे एक हैश दबाया, कॉमा दबाया और यहाँ मैंने कुछ, तो ये आपके सामने आ रहा है 12355। तो पहला कॉमा तो सही लगा है यहाँ, तो ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा कॉमा बढ़ाता हूँ जहाँ मैं अगली जगह लगाना चाह रहा था, मतलब दो डिजिट के बाद ये कॉमा लगाए और यहाँ एक और हैश दबाऊं तो मेरा काम हो जाना चाहिए था, पर देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, ये दूसरा कॉमा अपनी जगह पे काम नहीं कर रहा है जबकि मैंने दिया सही जगह है। चक्कर क्या है कि जब आप इस तरह का कॉमा देते हैं इसका कुछ अपना ही सेट ऑफ रूल होता है, ये पहला एप्लीकेबल होगा अपनी जगह पे 1000 पे, दूसरा होगा मिलियन पे, बट अगर आप इसकी फंक्शनैलिटी बदलना चाहते हैं तो इसके पीछे आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसके आगे बैक स्लैश, देन आपका ये फॉर्मेट अप्लाई होगा। हो गया अप्लाई, तो इसी तरह से ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है जी। अब इस कंडीशन में चेक करेगा, अगर 1 करोड़ से ऊपर है वैल्यू, इस तरह से कंडीशन देंगे हम कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़, बड़े ब्रैकेट में, देन अपने पूरा फॉर्मेट दे देंगे, देन सेमी कॉलन, सेमी कॉलन का मतलब है वहां आपकी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने दे दिया दूसरी कंडीशन, अगर वैल्यू 1 लाख से ऊपर हो, तो 1 लाख से ऊपर वाले में मेरे को करोड़ वाले सिंबल्स देने की जरूरत नहीं है, तो मैंने ये अलग से फॉर्मेट बना लिया, ठीक है जी। अगर वैल्यू 1 लाख से कम हो तो ये आप देख रहे होंगे इसमें ये वाला फॉर्मेट अप्लाई हुआ है, और इसमें विदाउट बैक स्लैश के लिया हुआ है, क्योंकि वो 1000 लाख से ऊपर ऊपर ही प्रॉब्लम है, उससे पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर क्राइटेरिया इसके अंदर भी मीट नहीं करता है तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट उठा लेगा। तो अगर हम वेरिएशन देखें हमारे डेटा में, तो अगर आप 1233 डालते हैं तो भी सही वैल्यू आती है, 11233 डालते हैं तो भी सही आती है, 1 लाख कुछ डालते हैं तो भी सही आती है, ऊपर जाते हैं तो भी सही आती है, ठीक है जी। इस फॉर्मेट में कोई कंफ्यूजन हो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, अपने पास किसी फाइल में सेव करके रख लीजिए, आपके बार बार काम आता रहेगा। सर आप इसे मेल कर देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, मेल में भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग के साथ मैं मेल में भेज दूंगा आपको। एक्चुअली सर अभी तक रिकॉर्डिंग मैंने चेक नहीं किया, आपकी मेल्स रिसीव हो रही है बट ऑफिस में बिजी होने की वजह से मैं मेल चेक नहीं किया। आपको बस क्लिक करना है उनके ऊपर, आप डायरेक्ट वीडियोस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। वो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी है हमारी, तो जैसे मैंने ये भेजी है तो आप क्लिक करेंगे इन पे, डायरेक्ट आपका यूट्यूब में वो खुल के आ जाएगी वीडियो, आप उसको सर आप जितना भी हमें पढ़ा रहे वो वीडियो रील में आ जाएगा? हाँ हाँ मैम, जो भी मैं अभी अभी बात भी कर रहा हूँ ना वो भी आ जाएगा। तो अभी मेरे पास इस ब्राउजर में फ्लैश नहीं है, पर ये मेरी ट्रेनिंग है, इसमें आपको वीडियो में मिल जाएगी, ये आप इसको किसी भी यूट्यूब डाउनलोडर से डाउनलोड कर सकते हैं, काफी सारी साइटें हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिंक को एक फाइल में संभाल के रखिएगा, ठीक है सर।
क्योंकि विदाउट लिंक के ये एक्सेस कर पाना मुश्किल होगा। ठीक है जी, तो आगे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बाकी देख लेते हैं इसमें आपको मंथ के बारे में मैंने, डेट के बारे में मैंने बता दिया था, टाइम के बारे में मैंने बता दिया था। तो ये हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट अपना टॉपिक ट्राई करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए भी मुझे डेटा चाहिए। नेम यहाँ कुछ डेटा बना लेता हूँ अपने पास में। सेल्स का अमाउंट डाल लेता हूँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक शॉर्ट डेटा बनाया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखिए, नॉर्मल फॉर्मेटिंग क्या होती है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो होती है जो फॉर्मेटिंग आपकी कंडीशन के बेस पे होती है। तो इसके लिए इन्होंने हमारे पास होम टैब में ये ऑप्शन है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे इसके कुछ प्री डिफाइंड रूल दिए गए हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, और बाकी के रूल जो इसमें नहीं है वो हम खुद भी बना सकते हैं। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि यहाँ जो कंडीशन दिए हैं उन्हीं के बेस पे चलेगा, आप अपनी मन मर्जी की जो मर्जी कंडीशन बना सकते हैं, इवन लिस्ट भी मैच कर सकते हैं। जैसे वी लुकअप से आप डाटा उठवा के लाते हैं, इस तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट करवा सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक मान लीजिए ए लिस्ट है और बी लिस्ट में कुछ डेटा है, तो आप ये भी हाईलाइट करवा सकते हैं कि इनमें से कौन सा डेटा बी लिस्ट में, उन्हें यहाँ हाईलाइट कर दो, तो इस तरह से भी करवा सकते हैं। तो चलिए पहले जो इसके प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। इसमें जो है हमारे पास पहला है ग्रेटर देन का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले आप उस डेटा को सिलेक्ट कर लें जिसपे आप अप्लाई करना चाहते हैं कंडीशनल फॉर्मेट। मैंने सेल्स का डेटा यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, नंबर से मेरे पास कुछ। अब हाईलाइट सेल रूल्स में जाता हूँ, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स, एंड फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन। यहाँ पे मैं वो वैल्यू डाल सकता हूँ कुछ भी, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे 50 से ग्रेटर देन जितने भी वैल्यूज हैं वो हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ हाईलाइट हो गए। फॉर्मेटिंग आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं या लिंक चूज कर सकते हैं जहां से आपका वैल्यू रेफरेंस लेगी। ठीक है जी, मे बी आपकी वैल्यू डायनेमिक हो सकती है, और आप फॉर्मेटिंग यहां से चूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग है आपके पास यहां पे। अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और आप खुद की फॉर्मेटिंग बना सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप इवन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, नंबर फॉर्मेटिंग, बॉर्डर फॉर्मेटिंग और सेल कलर फॉर्मेटिंग जो मर्जी वो चूज कर सकते हैं। जब आपका क्राइटेरिया मीट होगा तो वैसी फॉर्मेटिंग आएगी जैसी आपने सिलेक्ट की होगी। तो जैसे 50 से ग्रेटर देन वाली वैल्यूज में मैंने लगा दिया कि येलो दिखाए, अब तो ये मुझे येलो दिखा रहा है,
अगर वैल्यू कभी डाउन जाती है तो ये फॉर्मेटिंग हट जाती है अपने आप। ठीक है जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे जरूरी बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि एक बार आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दिया तो वो अप्लाइड है। अगर आप इसी पे कुछ और दूसरा लगाना चाहते हैं और पहली वाली हटाना चाहते हैं तो पहली वाली आपको हटानी पड़ेगी। आप इसको डेटा सिलेक्ट करें पूरा जहां आपने लगा रखा है, और अदरवाइज आपके पास ऑप्शन यहां भी अवेलेबल है। क्लियर रूल्स में जाएंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने डेटा सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ सिलेक्टेड सेल का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग हट जाएगी। और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, जैसे कि आपकी शीट में अगर कुछ खास नहीं है तो एंटायर शीट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं कि उसमें आपको सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, एक साथ ही सारी उड़ा देगा। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं लेस देन। सेम इसी तरह से लेस देन 50, 50 से जितनी छोटी वैल्यूज होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। क्लियर रूल्स के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन और है, मैनेज रूल्स। आपका डेटा सिलेक्टेड है तो यहाँ पे आपका आ रहा है करंट सिलेक्शन। मैनेज रूल्स में गए हम, करंट यहाँ देख रहे हैं ये डायलॉग बॉक्स खुला है, क्या रूल लगा हुआ है हमारे पास और क्या फॉर्मेटिंग है, किस जगह पे अप्लाइड है, ये सेल रेफरेंस है उसका। ठीक है जी, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस रूल को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए। मान लीजिए आपको रूल नहीं दिखा रहा है, मैंने सिलेक्शन कहीं और कर रखा है, यहाँ कर रखा है। ठीक है जी, अब सिलेक्शन नहीं है, मैनेज रूल्स में जाएंगे, अभी कोई नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है दिस वर्कशीट, शीट टू, शीट थ्री। तो दिस वर्कशीट करता हूँ, इसमें आ गया मेरा ऑप्शन, तो जो मुझे नहीं चाहिए वो डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है जी, अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा। ठीक है जी, तो लेस देन का हमने देखा, बिटवीन, जैसे मैंने कहा कि 30 से 70 के बीच की वैल्यूज जो है वो हाईलाइट हो जाए, तो वो हाईलाइट हो रही है इधर। ठीक है जी, इसी तरह अगले ऑप्शन में, और अभी जो हमने ऊपर के ऑप्शन पढ़े, ग्रेटर देन, लेस देन और बिटवीन, ये आपके वर्क करते हैं नंबर में और डेट में, टेक्स्ट पे नहीं यूज करते इनको, बट इक्वल टू आपका हर केस में यूज हो सकता है। ठीक है जी, जो भी वैल्यू इसके इक्वल टू होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरह से आपने रेंज कुछ और दे रखी है, यहाँ से नाम की, और यहाँ से इक्वल टू में आप कहते हैं कि कोई नाम हो जो इसके बराबर हो वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है जी, तो आप यहाँ से ये चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें टेक्स्ट दैट कंटेन्स, टेक्स्ट का मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। टेक्स्ट दैट कंटेन्स का मतलब है कि कोई भी एक एंटिटी आपकी जो आ रही होगी, मैंने कहा कि जिन नाम के बीच में जे है वो हाईलाइट हो जाए, मतलब इसमें लिखा हुआ करेक्टर आपके सिलेक्शन में कहीं भी हो सकता है, हाईलाइट हो जाएगा। या एक स्ट्रिंग की पी जहां हो, दीप जहां है, तो इस तरह से मैं कोई भी पार्शियल स्ट्रिंग यूज कर सकता हूँ हाईलाइट कराने के। ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए होता है ऑप्शन। देन हमारे पास डेट के लिए है ऑप्शन, डेट अकरिंग का ऑप्शन जो है हमारा डेट्स के लिए है। अब डेट अकरिंग में क्या यूज कर सकते हैं हम, अब ये थोड़ा सा डायनेमिक होता है। यस्टरडे यानी कि जो आपकी बीती हुई डेट है वो आएगी। यस्टरडे मैंने सिलेक्ट किया, और अगर कहीं भी आपकी डेट होती है, कल क्या डेट थी हमारी, 23 जुलाई थी, तो 23 जुलाई 2014 कहीं भी अवेलेबल होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगी। इसमें देखते हैं क्या कहीं अवेलेबल है, तो अवेलेबल है, ये नहीं हाईलाइटेड आ रही है। ठीक है जी, इसमें से वो हटा देता हूँ। तो डेट अकरिंग में कुछ इस तरह के ऑप्शन होते हैं आपके, यस्टरडे, टुडे, आज की डेट हो,
और ये हर दिन आप खोलेंगे तो उसी हिसाब से चेंज होता रहेगा फॉर्मेटिंग। यस्टरडे में आपको 23 जुलाई की डेट दिखा रहा है, आज में कल खोलेंगे तो आज की डेट 24 जुलाई दिखाएगा, वो हाईलाइट कराएगा। इसी तरह टुडे, इसी तरह टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, पिछले 7 दिनों में। तो पिछले 7 दिनों की जो होंगी, अब इसमें मैंने एक गलती की, मैंने दो एक साथ अप्लाई कर दी, यस्टरडे वाली भी कर दी और 7 डेज वाली भी कर दी, तो दोनों ही हाईलाइट हो गई होंगी। तो इस तरह से आप डबल रूल भी दे सकते हैं चाहे तो, वो आपके यूसेज के ऊपर है। तो मैं यस्टरडे वाली फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से देखता हूँ लास्ट 7 डेज में, क्योंकि मैंने 10 दिन का इंक्रीमेंट लगाया था तो 7 डेज में एक ही डेट दिखाएगा पिछले। नेक्स्ट में अगेन सिलेक्ट कर लेता हूँ डेटा, डुप्लीकेट वैल्यूज। जब आपकी डेटा डुप्लीकेट है तो मैं एक यूनिक कर देता हूँ इसमें, बाकी डुप्लीकेट रहने। तो आपके सिलेक्शन में जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगे। अब इसमें देंगे विजय भान, मैंने यूनिक डाला था, इसके अलावा कोई भी यूनिक नहीं है, ठीक है जी। दूसरा, डुप्लीकेट के अंदर ही आप देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है यूनिक का भी, यूनिक वैल्यू भी चूज दिखा सकते हैं आप इसको, ठीक है जी। तो हाईलाइट सेल रूल्स के ये आपके खत्म हुए। नेक्स्ट देखते हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स। टॉप एंड बॉटम रूल्स ये हमारे नंबर्स के लिए होते हैं, तो हम इसमें चूज कर सकते हैं टॉप 10 आइटम्स, मतलब वो 10 आइटम्स जिनकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो 10 का मतलब ये नहीं कि 10 ही चूज करेंगे, आप इसमें नंबर घटा बढ़ा सकते हैं, टॉप 50, टॉप 200 कितने भी ले सकते हैं, टॉप 20 ले लेता हूँ जैसे मैं, तो टॉप 20 मेरे हाईलाइट हो गए जहां जहां भी थे। इसको मैं जैसे फिल्टर करके तो आपको दिखाता हूँ, तो टॉप 20 इसने सिलेक्ट कर दिए। ठीक है जी, देन हम चलते हैं टॉप 10% पे। जो जितनी भी वैल्यू होंगी उनका काउंट करेगा, मान लीजिए 200 वैल्यू है तो 10% का मतलब है परसेंट, 10 का मतलब यही नहीं कि 10 ही होगा, 20 भी होगा, जितना भी हो, तो 10% ऑफ टॉप वैल्यू ये आपको दिखाएगा यहाँ पे। मतलब आपकी 2000 है तो 200 वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है जी। तो अप्रोक्स 400-500 के करीब है तो 49 का रिकॉर्ड दिखा रहा है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास है बॉटम 10 आइटम्स, जो स्मॉलेस्ट वाले 10 आइटम्स होंगे वो दिखा देगा। इसी तरह से हमारे पास इधर बॉटम 10% है, अबव एवरेज, जो एवरेज से अबव होंगे, जैसे हमारे 10 से 90 के बीच की वैल्यू है, या टोटल जितनी वैल्यू पड़ी हुई है उसमें जितनी भी जो एवरेज निकलेगा, जो एवरेज से ज्यादा होंगे उनको हाईलाइट करा देगा। और इसी तरह हमारे पास है बिलो एवरेज, तो एवरेज से बिलो वाली वैल्यू को हाईलाइट करा देगा। देन हमारे पास एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है डेटा बार्स का। डेटा बार्स देखिए कहाँ यूज होते हैं, ये आपके डेटा को ग्राफिकल लुक देने में थोड़ा सा मदद करते हैं। जिस तरह से हमारे पास चार्ट्स होते हैं, हम चार्ट्स यूज करते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या है कि यहाँ पे जो मैंने 2 डिजिट में नंबर दिखाए हैं तो इनको आइडेंटिफाई करना आसान है कई बार कि हाँ ये बड़ा है ये छोटा है। तो मान लीजिए ये 4 डिजिट में 5 डिजिट में नंबर्स होते तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता कि कौन सा डेटा बड़ा है कौन सा डेटा छोटा है। तो हमारे पास इसमें चार्ट्स बने हुए आ जाते हैं जिससे आप स्क्रॉल करते हुए ये देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू अप गई कौन सी वैल्यू डाउन गई, ये वैल्यू के बेस पे आपके चलता है। मान लीजिए यहाँ 90 होता
तो ये फुल पे होता इस तरह से, ठीक है जी। तो डेटा बार्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, आप कलर्स चूज कर सकते हैं अपने। डेटा बार्स की तरह हमारे पास कलर स्केल है, देखिए कलर स्केल को टेस्ट करते हैं किस तरह से। सबसे कम वाली वैल्यू देते हैं तो रेड आएगा, थोड़ा बढ़ाते जाते हैं तो इसका शेड येलो येलो की तरफ जा रहा है, येलो की तरफ जा रहा है। 40 पे आया मैं, येलो पे आ रहा है 50, ठीक है जी। आगे बढ़ता जाएगा फिर ग्रीन की तरफ। तो ये कलर स्केल है रेड येलो और ग्रीन का, तो उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग ये शेडिंग दे देता है। देन हमारे पास है आइकन सेट, आइकन सेट भी इसी तरह के ऑप्शन है। आइकन सेट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सेल्स दिखा रखी है, इसमें मैंने कहा कि एक सेल्स तो बहुत अच्छी है, वहां राइट का साइन आ रहा है, एक है जो ठीक ठाक है एवरेज है, वहां पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिखा रहा है, और एक जो है बहुत ही बुरी है मतलब बेकार है रिजेक्टेड है, वहां पे क्रॉस का साइन आ रहा है। तो इस तरह से आप डेटा को एक ग्राफिकल लुक दे सकते हैं, आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा, ठीक है जी। तो आइकॉन सेट को यूज करेंगे, हमारे पास जितनी कंडीशन हो, मान लीजिए तीन कंडीशन है, तीन कैटेगरीज है, तीन में डिवाइड कर दिया, पांच में करना है पांच में कर दिया, चार में करना है चार में कर दिया, अलग अलग आइकॉन सेट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है जी। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे सेट करेंगे। अब जैसे मैंने ये साइन यूज किया तो हम ये कैसे सेट करेंगे कि कौन सी वैल्यू अच्छी है कौन सी बुरी है, क्या क्राइटेरिया है, कहीं बेंचमार्क तो सेट करना, एक माइलस्टोन सेट करना पड़ेगा ना हमें। जैसे मैंने कहा कि 70 से 90 वाली अच्छी है, 50 से 70 वाली जो है वो ठीक ठाक है, और 50 से नीचे वाली बेकार है, इस तरह से क्राइटेरिया सेट करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा। अब मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ये मैं कहाँ जाऊंगा, मैनेज रूल्स में, इसको सिलेक्ट करूंगा, एडिट रूल में चला जाऊंगा, ठीक है जी। एडिट रूल में गया तो मेरे को क्या मिलता है, यहाँ फॉर्मेट स्टाइल आइकॉन सेट है, ठीक है जी। ये आइकॉन्स लगे हुए हैं और क्या क्या मतलब है इनका, ये यहाँ लगा हुआ है, हमारे पास वैल्यू है, व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 67%। तो अगर मैं परसेंटेज नहीं डालना चाहता कि परसेंट ना हो, मैं कहता हूँ वैल्यू नंबर ही दे देता हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ दोनों में नंबर सिलेक्ट कर सकता हूँ, अपना बेंचमार्क सेट कर सकता हूँ। मैंने कहा कि जो 71 से अबव है वो ही खाली अच्छी है, उसके बाद व्हेन वैल्यू लेस देन 71 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 51 हो तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में आ जाए, बाकी उसके नीचे वाली जो है ऑटोमेटिकली उसमें चली जाएगी 51 लेस देन 51। ओके किया, अप्लाई किया, ये सारे रूल्स चेंज हो गए इसमें, ठीक है जी। इसको डिलीट कर देते हैं यहां से, बाकी देखते हैं। अभी हमने जितने भी प्री डिफाइंड थे वो तो कर लिए, बाकी चलते हैं न्यू रूल पे। ये आपका इसके अंदर भी है, मैनेज रूल्स के अंदर भी न्यू रूल है। न्यू रूल में पहला है फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, इसके अंदर वही सारी चीजें हैं जो हमने अभी ऊपर में पढ़ी थी। उनका स्टाइल क्या करना है, टू कलर स्केल है, थ्री कलर स्केल है, डेटा बार है, आइकॉन सेट है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया जो हमने ऊपर पढ़े थे उनकी वैल्यू हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि खाली बार ही दिखाए तो क्लिक करेंगे सिर्फ बार दिखाएगा, वैल्यू नहीं दिखाएगा, यहाँ बार आ गई, नहीं चाहते डिलीट कर दीजिए। दूसरा है फॉर्मेट
ओनली सेल दैट कंटेन्स. अब क्या कंटेन्स, सेल वैल्यू, स्पेसिफिक टेक्स्ट, डेट अकरिंग, ब्लैंक्स, नो ब्लैंक्स. अगर सेल ब्लैंक्स है तो फॉर्मेट कराना है तो इससे करा सकते हैं. एरर्स है उनके अंदर तो फॉर्मेट करा सकते हैं. सेल वैल्यू में क्या आता है हमारा ऑप्शन, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, और लॉजिकल जो आपके टाइप्स हैं वो आपको यहाँ पे आ जाते हैं. ठीक है जी, आप अपना सेट करके फॉर्मेट यहाँ सेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से देख सकते हैं. नेक्स्ट है टॉप एंड बॉटम वैल्यू. टॉप एंड बॉटम यहाँ पे आपका 10% 20% जितना निकालना चाहते हैं. अगर टॉप 10 आइटम्स हैं तो यहाँ पे आइटम लिख, ये नॉर्मल नंबर दे दीजिए, और परसेंटेज है तो ये परसेंटेज सेलेक्ट कर दीजिए. ठीक है, यही आपके मैनुअल ऑप्शंस है जो आपने वहाँ पे देखे थे. फॉर्मेट ओनली दैट आर अबव और बिलो एवरेज. अबव और बिलो एवरेज का ऑप्शन भी है यहाँ पे. उसके अलावा सम स्टैटिकल फंक्शन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, अबव स्टैंडर्ड डेविएशन, बिलो स्टैटिकल है. फिर उसके बाद यूनिक और डुप्लीकेट के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, कोई भी सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेट कर दिए. देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इनमें भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेट. ठीक है जी, अब सपोज आपके पास ऐसा क्राइटेरिया आता है कि जिसका क्राइटेरिया इसमें मैं लगाता हूँ कि जिसका नेम संदीप हो और वो ग्रेटर देन 50 हो, वो वैल्यू हाईलाइट होनी चाहिए. अब ये क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. और हाईलाइट क्या करानी है, ये होल रो इतनी. ठीक है जी, दो क्राइटेरिया हो गए मेरे पास यहाँ पे. तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू के थ्रू इनका क्राइटेरिया चेक करते हैं. जब मैं फॉर्मूला की ट्रेनिंग दूंगा तो इसमें ये बताऊंगा कि हर एक फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, बट मैं आपको अभी सैंपल के तौर पे बता देता हूँ कि ये लगते कैसे. कोई भी फॉर्मूला आप बनाएंगे तो आपको मैनेज रूल में जाके, न्यू रूल में जाके, यूज फॉर्मूला, यहाँ पे वो फॉर्मूला देना पड़ेगा और फिर फॉर्मेट सेट कर देना सिंपली. ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि क्या ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 50 हो. ठीक है जी, पहली कंडीशन ये हो गई. दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि जो ये वाली वैल्यू है वो इक्वल टू, जब भी हम टेक्स्ट देते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में देते हैं, संदीप हो. ठीक है जी, तो ये दो कंडीशन हो गई और इन दो कंडीशन को मुझे कंबाइंड करना है एंड के फॉर्मूला के थ्रू. अभी इन फॉर्मूलाज में कंफ्यूज मत होइए, ये फॉर्मूला ट्रेनिंग अलग से होगी क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, बट मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ कि कैसे लगा सकते हैं. तो ये दो फॉर्मूला मैंने एंड के अंदर दिए, दो कंडीशन. हेलो, हाँ जी, तो ये दो कंडीशन मैंने एंड के फॉर्मूला के अंदर दिए, जिसमें क्या है, ये मुझे ट्रू तभी देगा जब दोनों वैल्यू इसकी ट्रू होंगी. मुझे इसमें क्या करना है, कॉलम फिक्स करने हैं पहले, क्योंकि ये इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह ही चलाएंगे. इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है. इसको एक बार मैं फिल्टर में चेक कर लेता हूँ कि क्या कहीं ट्रू आ रहा है. ट्रू आया, तो ट्रू में मैंने कहा था कि पहली कंडीशन होनी चाहिए संदीप होना चाहिए, दूसरा ग्रेटर देन 50 होना चाहिए. इसके लिए मेरा ये फॉर्मूला वर्क किया. ठीक है जी, अब जब जहां ये फॉर्मूला ट्रू दे रहा है वहां मुझे हाईलाइट कराना है. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम हमेशा वो फॉर्मूला सप्लाई करेंगे जो आपकी कंडीशन मैच होने पे ट्रू दे, और ये ट्रू के फाइंड होते ही आपका कलर कर देगा. तो पहला मैं इसको यहां लगा देता हूं, एक सेल पे लगाएंगे पहले हम ये, इसको
जहाँ से स्टार्ट करना है फॉर्मूला भी उसी सेल से सिलेक्ट किया, मैनेज रूल, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला, यहाँ मैंने फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, फॉर्मेटिंग में गया और येलो कर दिया, ओके अप्लाई कर दिया, पुराना वाला हटा देता, अप्लाई ओके ठीक है जी। देन मुझे क्या करना है, फॉर्मेट प्रिंटर लेके इसको पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देना, ठीक है जी। अभी इसको साइड वाले को डिलीट कर देता हूँ, आप देखेंगे वही रो हाइलाइटेड है, इसको मैं नंबर फॉर्मेट में वापस, वही रो हाइलाइटेड है जिसके आगे संदीप है और ग्रेटर देन 50 है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपनी मैनुअल कंडीशंस फॉर्मूला के थ्रू सेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप फॉर्मूला में एक्सपर्ट होते जाएंगे, आप इन कंडीशन को और भी गहरे तरीके से लगाना सीखते चले जाएंगे। तो सर ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है जी। बाकी फिर आज मेरे ख्याल से क्या, कौन सा थर्सडे, फ्राइडे, तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है। आज की क्लास खत्म करता हूँ मैं।